वहाँ पे भीड़ जो थी वो हजारों की भीड़ थी, लेकिन जिन लोगों ने मुझे मारा वो जिसका जितना हाथ जब तक पहुंच सकता था जितनों का उतने लोग मार रहे थे, हर बार एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई कभी रॉड कभी डंडा, मतलब इतना था कि मतलब मैं बता नहीं सकता। उस दिन सर मैं सुबह जो था ईदगाह के लिए निकला था, दिल्ली ईदगाह के लिए, बच्चों को, घर वालों को, सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको आस होती है कि भाई दुआ में गए तो कुछ लेके आएंगे हमारे लिए, तो ये हर साल मैं लेके जाता हूँ अपने भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो इसी तरह से मैंने वहाँ से परचेज़ किया, हलवा पराठा परचेज़ किया, दही बड़े परचेज़ किए। मुझे पता चला कि भाई जो आगे है वो लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रही है और बहुत लड़ाई हो रही है, तो जो कन्वेंस थी उसमें से मैं वहीं उतर गया। उन्होंने कह दिया भाई यहाँ खाली कर दो आप, तो वहाँ दोनों तरफ से, पल्ली तरफ से जो मज़ार वाली साइड और इस तरफ से, दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त पथराव हो रहा था, मतलब हज़ारों की भीड़ इधर थी और उधर का तो मुझे दिख नहीं रहा था कितने लोग थे, नहीं थे, लेकिन पथराव उधर से भी हो रहा था। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ तो बहुत गड़बड़ वाली बात है और यहाँ तो पथराव हो रहा है, तो मैं एकदम से मतलब पीछे हटने की मैंने वो करी, इतने में जो लोगों ने मुझे देख लिया, भीड़ ने जो पथराव कर रही थी, तो उसने क्या कहते हैं, इतने में सब ने मुझे शिकार की तरह झपट लिया, तो उससे ऐसे ही कर रहा था, इतने में रॉड पड़ी मेरे सर पे और मतलब खून बहुत निकला, इतने में एक रॉड फिर दूसरी रॉड फिर मतलब इतना पड़ा कि मैं घुटनों के बल नीचे बैठता चला गया, मुझे होश आवाज़ गुम। फिर एक तलवार मारी किसी ने, तो तलवार जो थी डायरेक्ट मेरे सर पे ना लग के साइड से लगी, नारेबाजी कर रहे थे वो, जय श्री राम मारो मुल्ला को, मारो मुल्ला को। उसके बाद बेहोशी सी हो गई, फिर ऐसा लगा जैसे कुछ लोग उठा के ले आ रहे हैं मुझे, फिर वो एम्बुलेंस के बाद हॉस्पिटल में होश आया कि वही हॉस्पिटल में कोई मेरे पास नहीं है, तो मैं डॉक्टर से कह रहा था, मैंने कहा डॉक्टर मेरे आप सीटी स्कैन करा दीजिए और मेरे सर की कुछ करिए, मैं बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को मैं देख रहा था तो वो मेरी बात तो मतलब इतनी नहीं सुन पा रहे थे कि एक और पेशेंट थे, उनके हाथ दोनों जैसे ऐसे कटे हुए थे हो रहे थे कि वो कह रहे थे काटेंगे, ये हाथ काटने पड़ेंगे, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो मैं उनका हाल देख के मैं चुप हो जाता था, मैंने कहा मेरे से ज़्यादा भी यहाँ पे लगता है ज़रूरी लोग हैं। पुलिस की भूमिका में कि उस वक्त जिस वक्त मुझे मारा गया, मैंने वहाँ देखा था कि वही पुलिस वाले वहाँ घूम रहे थे और जो लोग थे वो ऐसे थे, पुलिस के जो मैंने देखे थे वो मतलब ऐसे टहल से रहे थे जैसे कोई एक मतलब उनको मतलब नहीं उस चीज़ से वहाँ क्या हो रहा है। मम्मी मेरी बैठी हैं, उन्होंने देखा था, तो वो कल ही देखा 4 दिन बाद मुझे, उनका रो रो के बुरा हाल था बहुत, तो सब परेशान थे, जिसने फ़ोटो देखा वो सब सोच रहे थे कि मतलब बचेगा नहीं और ये ख़त्म ही हो गया है। ये कि जिस वक्त मुझ पर मारा जा रहा था, मैं डर तो मेरे दिल में उस वक्त भी नहीं था, क्योंकि एक एक दरिंदा या एक दरिंद कुछ दरिंदे मिल के बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार सकते हैं। डर तो उन लोगों को होना चाहिए जो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं कि निहत्ते आदमियों को, जो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए एक खुशी खुशी सामान लेके, उनके खाने पीने की खुशी का सामान लेके जा रहा है और उसको पकड़ के इस तरह मार रहे हैं। कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ देना कि जी हिंदुओं ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो इस बात को मैं नहीं कहूँगा। ऐसा करने वाला ना कोई हिंदू हो सकता है और ना कोई मुसलमान हो सकता है।